हरियाणा में चुनावी शंखनाद होते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की नया पाल लगाने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। आगामी 22 अगस्त को गुरुग्राम जिले के सोहना में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता विधायक अभय सिंह चौटाला एवं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद इस बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक को सफल बनाने के लिए मंगलवार को अनाज मंडी नुकू में इंडियन नेशनल लोकदल जिला कार्यालय नुकू पर जिला अध्यक्ष शुभानका सिंगारिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पूर्व विधायक अयूर रहमान, लोकसभा उम्मीदवार रहे हाजी सौरभ सहित कई इनेलो नेताओं ने शिरकत की है। बैठक के बाद इंडियन नेशनल लोकदल जिला अध्यक्ष शुभानका सिंगारिया ने कहा कि आगामी 22 अगस्त को सोहना में इंडियन नेशनल लोकदल एवं बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं की संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से लेकर खास रणनीति बनाई जाएगी, साथ ही साथ सीट बंटवारे से लेकर टिकट वितरण का भी बैठक में विस्तार विमर्श होगा, विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक को लेकर दो दिन पहले नुह मेवात में बैठक ली गई है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा में इनेलो बसपा कितनी सीटों पर अपनी विजयी पताका फहरा पाएगी। आप देखें नुह मेवात, लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये एक मामूली मीटिंग थी, सरप्राइज। 5-7 लोग, 10 लोग इकट्ठे हुए थे मेन, और हमारी परसों वहाँ मीटिंग है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, इनेलो और बसपा गठबंधन की कम्बाइंड। उसमें हमारे चौधरी आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी वो आ रहे हैं। उसके संदर्भ में कुछ डिस्कस किया था, कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, एक बहुत जो है अर्जेंट कॉल। अभी सुबह 2 घंटे पहले हमने कहा था 5-10 लोग आ जाएं मेन, तो उस पर्पज के लिए मीटिंग की थी।